नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित इटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट है अकील अख्तर, आर्टिस्ट है। पहले तो मैं स्वागत करती हूं इनका टॉक शो में। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने बॉल आप घुमाते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, इनको बहुत कुछ आता है, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या क्या आता है। थोड़ा सा फुटबॉल खेलता हूँ मैं, गोल कीपिंग करता हूँ, मैं गोल कीपर हूँ, और थोड़ी सी सिंगिंग कर लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, और फाइटिंग सिखाता हूँ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए। okay. एक ब्रूस ली एक फाइटर थे, उनका कुछ एक्ट होता है वो मैं सिखाता हूँ लड़कियों को, लेडीज़ों को, क्योंकि हमारे इंडिया में लड़कियाँ सेफ नहीं है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ जो भी मेरे से सीखना आती है मैं सिखाता भी हूँ बच्चों को, और थोड़ी बहुत मिमिक्री भी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आर्टिस्ट जो है ये मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो सर, किस तरह से आपने ये बॉल की शुरुआत की, क्योंकि हमने विजुअल्स आपके पहले ही आप लोगों ने देख ही लिए हैं किस तरह से ये जो है बॉल को घुमाते हैं, फुटबॉल को कभी माउथ में डालकर, वो इनकी एक वो है स्टिक है जिसके ऊपर ये चलाते हैं, और फिंगर पे जो है ये बड़े आराम से रोटेट कर देते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार ये फिर से अभी हमें एक बार ही फिंगर पे रोटेट करके बताएं, आफ्टर दैट इनसे इनकी जर्नी पूछते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत की। इसे जैसे मैं किसी के ऊपर भी करता हूं, आप कर सकते हैं। और ये मैं सिखा भी देता हूँ। ये आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने मेरी भी फिंगर पे किया है, और मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैंने इसको पकड़ा हुआ है। वाक्य बहुत बढ़िया। अखिल जी, कब शुरुआत की थी इसकी? मैं 8th क्लास में था, तो मेरे को ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत सीख रहा था, तो मैं गोल कीपिंग सीखा 8th क्लास में। तो वैसे मैं ये जेलेसी में सीखा था, एक हमारा फ्रेंड था वो काफ़ी प्राउड ही था, वो सिखाता नहीं था हमें, और आपको पता है बच्चों में थोड़े बच्चे जाते, उस टाइम मैं बच्चे ही था 8th क्लास में, तो मेरे को जेलेसी क्रिएट हुई मेरे अंदर, मैं सीख गया इसे। तो आज मैं 3 बॉल तो कर लेता हूँ, अभी मैं खुद अंडर प्रैक्टिस हूँ, मतलब मैं लर्नर भी हूँ और सिखाता भी हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सर, अभी तक कितने लोगों को आप सिखा चुके हैं? सर मैं बच्चों को तो बहुत सिखाया है मैंने, अभी जम्मू में मेरे पास टोटल अभी 4 बच्चे हुए हैं जस्ट, मुझे मिले हैं 6th क्लास में हैं वो, तो वो भी मेरे से सीख चुके हैं ऑलमोस्ट, वो अभी 1 बॉल अच्छे से कर ले रहे हैं। और मेन है मैं उन लोगों को गोल कीपिंग सिखाता हूँ, मैं ये सिखाता हूँ बॉल से डरो मत, ठीक है, चाहे कितनी भी तेज़ है, आप में होना चाहिए स्किल्स, आप रोक सकते हो। तो सर, ये आप जम्मू के रहने वाले हैं या बाहर के? मैं मेरा बर्थ तो बिहार का है, लेकिन मैं दिल्ली से मेरी स्कूलिंग हुई है। okay. बाकी मैं MBA कर रहा था, पुणे से मैंने किया। तो फिर आप जम्मू किस तरह से आए, क्या सोच कर जम्मू आए? ये मेरा प्रोफेशन है मैम, यहाँ पे मैं फ्रीलांस वर्क करता हूँ फॉर सैलून, मैं सैलून्स के हम लोग प्रमोशन करते हैं जिसमें हमारी क्लाइंट लेडीज़ होती है, तो मेरा मेन काम वो है, जैसे मेरा सोर्स ऑफ इनकम, मेरा प्रोफेशन वो है मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इसमें किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू की बात की जाए तो इसका कोई स्कोप नहीं है इतना, जितना अब्रॉड में बात की जाए, बाहर की बाहर स्टेट्स में बात किया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा इसका स्कोप है स्पोर्ट्स को लेकर, पर जम्मू में इतना नहीं है। तो आप क्या सोच कर जम्मू में आए? बेसिकली मैं जम्मू इस स्पोर्ट्स को लेकर नहीं, ये तो मेरी एक हॉबी है जिसे पैशन है जिसे मैं करता रहता हूँ, लेकिन मैं पैन इंडिया हमारा वर्किंग होता है फॉर सैलून प्रमोशन ही हम लोग करते हैं, पैन इंडिया घूमते हैं। तो जम्मू में मुझे 2 साल हो गए हैं, तो मेरा मेन काम वही है। तो इसमें किस तरह से आगे काम किया जा रहा है? देखिए, आपने ये बात तो सही बोली कि फुटबॉल की वैल्यू हमारे इंडिया में तो है नहीं मैम, यहाँ पे है कि सिर्फ क्रिकेट को ही करते हैं, ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अब फुटबॉल इज़ वेरी एक्सपेंसिव गेम, और उसमें बहुत मतलब स्किल्स बहुत चाहिए, पहुँचने बहुत मुश्किल डिफिकल्ट होता है। तो अब ये क्या है कि मेरी एज 31+ हो गई है, फिर भी मैं खेलता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे सीखना चाहते हैं तो मैं तो अपना स्किल्स ट्रांसफ़र करूँगा बच्चों में, काफ़ी बच्चे लोग मुझसे सीख भी रहे हैं, तो मैं उन्हें अच्छा सिखाता हूँ, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी तक कितने बच्चों को आप सिखा चुके? जम्मू में अभी 4 हो गए हैं। 4 ही हुए हैं। तो सर, जिस तरह से आपने सेल्फ डिफेंस की बात की, तो सेल्फ डिफेंस में किस तरीका से आप उनको सिखाएंगे? देखिए मैम, मैं लड़कियों को क्या सिखाता हूँ, एक नान चाकू करके एक चीज़ होती है जो ब्रूस ली चलाते थे फाइटर, तो उनको देख देख के मैंने खुद सीखा है। मैं 8th क्लास से 12th तक मैंने जितने भी आर्ट सीखे हैं स्कूल लाइफ में सीखा था। तो अब जैसे गिटार है या कुछ भी, तो वो एक फाइटिंग के लिए क्या होता है कि लड़कियों को सिखाता हूँ, क्योंकि आप दिल्ली में अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप लोग को दिल्ली में गवर्नमेंट ने बोर्ड रखा है आप लोग लेडीज़ को, गर्ल्स को, कि आप पेपर स्प्रे कैरी करके, क्योंकि दिल्ली तो मैम वैसे तो धीरे धीरे पूरे इंडिया ही सेफ, जम्मू भी सेफ नहीं है, जम्मू की बात की जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या, अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, क्या होता है कि अगर आप लोग अगर किसी के भरोसे रहेंगे, आप लोग माइंड मत करिएगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका जैसे आप लोगों का रेप हो जाता है,
आप लोग को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती, पुलिस सपोर्ट नहीं होती, पब्लिक सपोर्ट नहीं होती, आपको खुद ही करना है जो करना है अपने लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो मिलेंगी मैं उनको फाइटिंग सिखाऊंगा जरूर, ताकि आप लोग सेफ हो जाओ मेरी साइड, मतलब मैं ऐसा कर दूंगा आप लोग सेफ हो सकते हो। ओके, तो सर आप सिंगिंग भी करते हैं, तो कुछ मैं चाहूंगी कि कुछ लाइनें हमारे व्यूअर्स के साथ भी प्रस्तुत करें तो अच्छा रहेगा। ये सुशांत सर की याद में मैं गाना चाहता हूँ जी, नमो नमो शंकर, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो ये गाना कुछ ऐसे था, जय हो शंकर आदिदेव शंकर, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। बहुत बढ़िया सर, आप तो बहुत अच्छा करते हैं। तो सर इसके प्रैक्टिस कितनी चाहिए होती है इसके लिए? देखिए मैम, फुटबॉल सीखने में वो सब आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सिखाने के लिए। मैं हूँ, मैं आपको सारी एक्यूरेट टेक्निक बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है, और इसके लिए एक दिन से दस दिन मैक्सिमम, एक दिन से दस दिन, एक दिन में भी सीख सकते हैं, हो सकता है दो घंटे में भी सीख सकते हैं। ओके, वो अब काफ़ी लोग होते हैं जो बुक्स घुमाते हैं, प्लेट घुमाते हैं, उन लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत ईजी है, वो एक घंटे में भी सीख सकते हैं। इसके कुछ टेक्निक हैं सिखाने के लिए, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। सर ये आपने किस किस के ऊपर, जैसे आपने मेरी फिंगर पे किया है, तो छोटे छोटे बच्चों में है? हाँ, बच्चे तो मेरे फेवरेट है, मैं बच्चों के ऊपर ही सबसे ज्यादा स्टंट करता हूँ फुटबॉल। तो ये सर स्टिक के साथ कैसे करते हैं? ये जो स्टिक होता है, जैसे आप पकड़ेंगे आप भी इसे कर सकते हैं, इसे पकड़िए आप यहाँ से, मैं अभी घूमता रहेगा। ये वाक्य में आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है ये बिल्कुल गोल कीपिंग कर रहे हैं, और एग्जैक्टली मैंने भी अपने हाथ पे चलाया है, और ये जो स्टिक है इसी के साथ करते हैं ये। सर ये स्टिक जो है ये मतलब कोई भी खरीद सकता है, कहाँ से मिलेगी ये? अगर कोई खेलना चाहे इसके साथ तो? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है कि ये स्टिक जो है मेरे पास रहे तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजर भी हो जाता है अगर ये बच्चों के हाथ में जाए। मैं ये स्टिक बच्चों को कभी नहीं देता, मैं बच्चों को फुटबॉल दे देता हूँ, ये नहीं देता, क्योंकि किसी को लग सकती है कुछ भी, तो मेरी अंडर प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये जो भी बर्तन की दुकान होती है ये वहाँ इजीली अवेलेबल है। अच्छा, ये वहाँ से मिलती है? एग्जैक्टली। सर फैमिली की सपोर्ट की बात कीजिए, फैमिली किस तरीके से सपोर्ट करती है? मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो अब काफ़ी भाई बहन है, लेकिन मैं किसी से सपोर्ट मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड रहना चाहता हूँ। तो फैमिली को लेकर, मेरे स्पोर्ट्स और इन सब को लेकर कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं एजुकेशन लेकर जॉब करूँ। सर तो आपने एजुकेशन में क्यों ना लिया? मैं ड्रॉप आउट कर दिया था, मैंने छोड़ दिया था एमबीए, तो मुझे एक्चुअली जॉब करना पसंद नहीं है, मैं खुद का ही कुछ काम करना चाहता हूँ। मैंने एकेडमी, मैं स्ट्रगलर हूँ, लेकिन मैं होप्स मैं जल्दी एक कोई एकेडमी ओपन करूँगा जिसमें मतलब टैलेंट शो के रिगार्डिंग ही मैं बच्चे हों, वहाँ लेडीज आए, तो मेरे दो ही टारगेट होते हैं, बच्चे और लेडीज गर्ल्स, बस, तो उनको मैं कुछ सिखा सकता हूँ। मतलब आप चाहते हो कि जो फीमेल्स हैं वो भी आगे बढ़कर काम करें, क्योंकि सेल्फ डिफेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में बात की जाए, और बच्चे हैं तो बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, और वो जल्दी इस गेम को सीख सकते हैं, और अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आज ज़रूर आने वाले दिनों में नाम भी रोशन करेंगे। सर फ्यूचर प्लान में क्या है आपका? देखिए मैम, फ्यूचर मेरी वैसे कुछ खास प्लानिंग है नहीं, मैं अपना अर्न करके जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है सैलून के रिगार्डिंग। सर अभी तो आप जिस तरह से आप बात कर भी रहे हैं कि मेरा कुछ ऐसा फ्यूचर नहीं है, आप अभी अनमैरिड है, तो आफ्टर टाइम आपकी शादी भी होगी, तो आपने उसको भी मैनेज करना है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे फिर? नहीं मैम, मैं पब्लिकली ओपनली बोलना चाहता हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो आई एम बैचलर एंड आई एम हैप्पीएस्ट बैचलर इन फैक्ट। ओके सर, आप बैचलर हैं? जी मैम। मेरी एक्चुअली एक गर्लफ्रेंड थी, 10 साल रही थी, तो हमने कभी एक दूसरे को चीट भी नहीं किया, कुछ अलग इंसिडेंट है, तो 12 साल हो गए मुझे उनसे अलग हुए हुए, तो मेरे हिसाब से प्यार एक ही बार होता है, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है शादी की, तो अकेला रहना चाहता हूँ मैं। सर आपके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, ऑब्वियसली बात है, देखो ये वाला टैलेंट जो है मैंने तो जम्मू में कहीं किसी के पास नहीं देखा था, और आप जम्मू में आए हैं, तो आपसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने चाहा कि मैं आपसे एक बारी बातचीत ज़रूर करूँ, और आपका ये जो टैलेंट है अपने व्यूअर्स को भी ज़रूर दिखाऊँ। तो सर क्या कभी आपने इस टैलेंट के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट से जाकर बातचीत की कि कोई नया इनिशिएटिव लिया जाए? मैंने एक्चुअली मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, मैं एक केएस ऑफिसर से मिला था, मैंने उनको बताया था सेल्फ डिफेंस के लिए। ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए मैं सर्टिफाइड प्लेयर नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन मुझे अब दुनिया कहती है बिलीव इन योरसेल्फ,
तो मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं एक अच्छा नान चाकू जो ब्रूस ली वाले फाइटिंग वो मैं चलाता हूँ। अब उसमें क्या है कि लोगों को सर्टिफिकेशन होना चाहिए, अब क्या है कि डिग्री की वैल्यू है, टैलेंट की वैल्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल, आजकल की डेट में तो डिग्री बहुत मायने रखती है जी। और थोड़ी सी मिमिक्री कर लेता हूँ मैं जी सर। आप मिक्री भी करते हैं तो मैं चाहूँगी थोड़ी सी मिक्री करके बताएं। और एक ऋतिक रोशन की कोई मिल गया कि मूवी जो फर्स्ट पार्ट आई थी, आई लव ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है माँ, तू फिक्र मत कर माँ, मैं वापस आ रहा हूँ माँ, मैं वापस आ रहा हूँ। और थोड़ा बहुत ये और भी हैं काफ़ी। तो सर हमें सुनाई दीजिए, बहुत अच्छी है आपकी तो मिक्री बहुत अच्छी है। एक नाना पाटी का साहब हमारे अच्छे इधर इधर। फिर एक अपरिचित मूवी आई थी साउथ की, हम भारतीय पीछे रह गए, इसमें हमारी हार है, वोट देने में लापरवाही, हमारे मोदी जी मित्रों। वाह वाह सर, आप तो बहुत बहुत सही मिक्री करते हो। तो सर आपने इस लाइन में जाने का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये जो मिक्री वाली लाइन है एज अ कॉमेडियन भी आप इसको यूज कर सकते हो, तो सर इसमें क्यों नहीं सोचा आगे बढ़ने को? मैं हर जगह ऑडिशन देता रहता हूँ, बट क्या है कि कॉम्पिटिशन इतना है ना हर चीज में, लास्ट में फेल होके वापिस आना पड़ता है मुझे, रिजेक्शन हो जाता है मेरा। सर वो फेल नहीं होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। बिल्कुल मैम, बट ये है कि मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा, आई नेवर गिव अप। बिल्कुल बिल्कुल, गिव अप कभी होना भी नहीं चाहिए, मैं यही कहूंगी कि ऐसे आगे बढ़ते रहो, कहीं ना कहीं एक दिन आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। तो सर है कि जब मैं हारने लग जाता हूँ तो मैं एलन मस्क सर का फैन हूँ, अगर बोला जाए नेवर गिव अप तो वो मेरे एक आइडल है मैम, एलन मस्क कभी हार नहीं मानते। तो सर आप आने वाले दिनों में क्या नई चीज लेके आने वाले हो, क्योंकि जिस तरह से अभी आप थोड़े चार बच्चों को सिखा चुके हो, डिफेंस की भी आप बात कर रहे हो, तो क्या आप किस तरीके से क्या कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट करोगे इनके लिए ताकि आपसे आकर सीख सके? जी बिल्कुल करूँगा मैम, अगर मैंने किया तो जम्मू में ही करूँगा, क्योंकि मुंबई में मैं वैसे मुंबई में ही रहता हूँ, तो मुंबई में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, ये ज़्यादा वैल्यू नहीं है वहाँ पे, टाइम की वैल्यू बहुत है और टैलेंट की क्या है कि वहाँ भीड़ इतनी है, हर दूसरे बंदे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे मुंबई। तो जम्मू में क्या है कि अगर फुटबॉल के लिए स्कोप नहीं है तो मेरी एकेडमी यहाँ पे चल जाएगी, मुझे भरोसा है, इसलिए मैं बहुत जल्द कोई एकेडमी ओपन करूँगा। सर हमारी भी यही दुआ है कि आप ये जो एकेडमी है इसको ओपन करें और आप आगे बढ़कर आए। सर अगर आपसे कोई सीखना चाहता है तो वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, किस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉल कर सकता है, या कोई आपका ऑफिशियल पेज है जिससे आपको वो कॉन्टैक्ट कर सके? वो मुझे कॉल कर सकते हैं। सर क्या नंबर है, आप हमारे व्यूअर्स को सुना दें, अपने नंबर को दो बार रिपीट कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9055731232, 9055731232। देखो आपको नंबर मिल गया है इनका, मैं चाहूँगी कि जो भी बच्चा या बड़ा या कोई भी फीमेल अगर सेल्फ डिफेंस की कोचिंग लेना चाहती है, ये जिस तरह से अपना क्या नाम, अकील अख्तर, नहीं नहीं वो क्या है, आप क्या सिखाते, नान चाकू करके जो आइए सिखाते हैं, तो अगर आप कोई फीमेल सीखना भी चाहती हैं तो वो इनसे क्लासेस ले सकते हैं। सर क्या कॉस्ट रहेगी उसकी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा उसका कोई, या उनको कोई हमारे अली पोस्ट के माध्यम से अगर कोई आपके पास आता है तो उनके लिए कुछ ऑफर प्राइस रहेगा आपका? हाँ मैं वीकेंड में दो दिन सैटरडे संडे उनको सिखा दूंगा, बाकी अगर फीस ये है कि अगर उनको अच्छा लगे तो वो मुझे, मैं कुछ फिक्स अमाउंट नहीं रखना चाहता, अगर वो उनको अच्छा लगा और उनको लगा कि उनमें चेंजेस आया तो दे कैन पे मी व्हाट एवर, इट्स नॉट अ फिक्स अमाउंट कि मैं कुछ चार्ज करूँ ऐसा। तो सर आप चार्ज नहीं करते इसको सिखाने के लिए? हाँ इसे सिखाने के लिए, देखिए मेरा क्या है कि मैं चार्ज कुछ भी नहीं करूँगा, वो उनको अच्छा लगता है वो कुछ भी पे कर सकते हैं, क्या है कि मैं ज़्यादा मनी लवर नहीं हूँ मैम, ठीक है मैं उतना मनी लवर नहीं हूँ। सर तो आपकी हॉबीज़ क्या है? वो हॉबीज़ तो मैम मेरी काफ़ी है, मेन तो फुटबॉल खेलना है जिसमें मैं गोलकीपर हूँ, और सिंगिंग गिटार, और वो जो मैंने ब्रूस ली का, मतलब मैं जिस जिस का फ़ैन हूँ ना, जैसे मैं रोनाल्डो सर का फ़ैन हूँ, मैं जिस जिस का फ़ैन बनता हूँ मैं उनकी चीज़ों को सीख लेता हूँ, कैसे मैं, मुझे चाहे सेल्फ सीखना पड़े मैं सीख के रहता हूँ उस चीज़। चलो अच्छी बात है, तरक्की करना बहुत बड़ी बात होती है, और ये खुद सीखते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं किसी से सीखना पड़ता है, कोई कोचिंग लेना पड़ती है, कोई क्लासेस लेना पड़ती हैं, पर इनकी बात की जाए तो इन्होंने ये गेम भी बेशक जेलस में सीख ली और इनको मिक्री आती है, ये सिंगिंग भी कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, मैं चाहूँगी कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और जल्दी आपकी जो है अकेडमी खुल भी जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे टॉक शो में बनने के लिए, अगर आप लोगों के पास कोई टैलेंट है तो ज़रूर आगे बढ़ गए, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप अकील अख्तर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने आपको सुना दिया, बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे नए टॉक शो के लिए बने रहिए अली पोस्ट के साथ, नमस्कार।